नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी अर्थात सुखेश ग्रह कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है। चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति को माता का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति को वाहन का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति को मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख कैसा प्राप्त होगा, व्यक्ति हृदय से कैसा होगा, ये सारी बातें हम चौथे भाव से देखते हैं। तो आइए और गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ये होता है चौथा भाव, और चौथे भाव का स्वामी अगर कुंडली के इन सारे भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा, वो हम अभी जानेंगे। शुरुआत करते हैं लग्न भाव से। अगर सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर लग्न भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ये चौथा भाव हृदय का है, इसीलिए जब चतुर्देश लग्न भाव में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव भावनात्मक संवेदनशील लोग होते हैं और रिश्तों की गरिमा को जानने वाले लोग होते हैं और अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। अभी ठीक उसके विपरीत जाते हैं। अगर सुखेश ग्रह लग्न भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को मकान सुख में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, वाहन सुख में दिक्कतें आती है, वाहन से कष्ट के योग भी बनते हैं, उसकी माता के साथ हमेशा मतभेद टकराव खिटपिट होता रहता है। अभी हम आएंगे दूसरे भाव के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि दूसरा भाव कुटुंब का है, धन का है। अगर सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर धन भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है, माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति की माता सुखी घर की होती है। ऐसे व्यक्तियों को जन्म से ही अच्छे मकान में रहने का योग बनता है, अच्छे वाहन में घूमने का योग बनता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद दुकान मकान खेती जैसी पैतृक संपत्ति मिलने के प्रबल योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के सभ्यों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय के भाव उनके चेहरे पे साफ साफ दिख जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पे अभिव्यक्त करने में माहिर होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे तीसरे भाव के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि तीसरा भाव मेहनत साहस और पराक्रम का होता है, छोटी भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी मुसाफरी का होता है। तो सुनिए, सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर तीसरे भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके सफलता हासिल करते हैं और अपनी सफलता के अंदर वो वाहन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति की माता बहुत ही मेहनतू स्वभाव की होती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ते होते हैं। अभी ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर सुखेश ग्रह नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित होकर तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत मेहनत करने के बावजूद अच्छे मकान का सुख प्राप्त नहीं होता, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त नहीं होता और ऐसे व्यक्तियों के माता के साथ भी उनके मधुर रिश्ते नहीं होते, मतभेद टकराव खिटपिट होता रहता है। और हाँ, वाहन से हमेशा उन्हें कष्ट हो सकता है या वाहन बार बार बिगड़ता है, वाहन की वजह से बहुत खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि चौथे भाव का ये 12वां भाव है, यानी कि चौथे भाव का व्यय भाव।
तो चौथे भाव का व्यय करता है, घर का बार बार घर के अंदर रिपेयरिंग का खर्चा आता है, वाहन बिगड़ जाता है तो वाहन के लिए बार बार खर्चा करना पड़ता है, ये सब उनका होता रहता है। माता बीमार पड़ती है तो माता की बीमारी के पीछे भी बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं चौथा भाव। अगर सुखेश ग्रह चौथे भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति को अपने माता के द्वारा बहुत अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को मकान का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन के अंदर काफी बार अच्छे से मकान, जमीन जायदाद, दुकान, खेती, ये सब खरीदने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 5 बार या फिर 7 बार गाड़ियां खरीदते हैं और हर बार ज्यादातर नई गाड़ी खरीदते हैं। और हाँ, अगर शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ जाए तो वो लोग जूनी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे स्वभाव के वजह से, अपने अच्छे विचारों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के वजह से उनकी लोग बहुत ही तारीफ करते हैं। तभी आता है पंचम भाव। तो आप सभी को पता है कि पंचम भाव से संतान का सुख देखा जाता है, विद्या का बारे में जाना जाता है। तो सुनिए, अगर सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर पंचम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं, अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना घर भी बहुत अच्छा बनाते हैं और घर के अंदर इंटीरियर भी करवाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के लिए और अपने वाहन के लिए हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है, इसलिए वो लोग उसका बहुत केयर करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी विद्या और ज्ञान के द्वारा धनवान होते हैं, यशवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं और अपने जीवन के अंदर सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पिछले जन्म का पुण्य भी कदम कदम पर उसकी सहायता करता है, उसके हर काम आसानी से हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे भी बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। अभी हम छठवें भाव के बारे में जानेंगे कि सुनिए, अगर मान लो चौथे भाव का स्वामी छठवें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो चौथे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों की माता बड़ी उम्र में बहुत बीमार पड़ती है और बीमारी के पीछे बहुत सारा धन खर्च होता है। ऐसे व्यक्तियों का वाहन से अकस्मात का योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन चोरी होने का योग भी बनता है, यानी वाहन से आर्थिक कष्ट और शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो अपने खुद के नाम पर कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें आगे जाके शत्रुता होती है या फिर कोई लीगल फॉल्ट के वजह से उनको कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के घर में कंकास, कलेश, लड़ाई झगड़े, अशांति होती रहती है। अगर कुंडली के अंदर सुखेश नीच राशि में निर्बल होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें भाव में बैठा हो तो इन लोगों को गलती से भी अपने नाम पर कोई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें उसमें लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है या फिर कायदा कानून कोर्ट कचहरी में जाना पड़ सकता है। अभी हम आते हैं सप्तम भाव। तो आप सभी को पता है कि सप्तम भाव पत्नी का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है, उसके बाद डेली वेजेस का है। तो सुनिए, इसके अंदर एक अच्छा सा नियम लागू पड़ता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथे भाव का स्वामी जब चौथे भाव से चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम का नियम लागू पड़ता है और इससे राजयोग जैसा फल मिलता है। तो सुनिए, अगर सुखेश ग्रह स्वगृही
मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने खुद के नाम पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदने से भी बहुत लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को पत्नी का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है, क्योंकि ये पत्नी और ये सुख। तो जब सुखेश सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्तियों को पत्नी का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों का विवाह के बाद भाग्योदय होता है और विवाह के बाद बड़े मकान में रहने के योग बनते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो पत्नी होती है वो बहुत नसीबदार और भाग्यशाली होती है। विवाह के बाद व्यक्ति सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। अभी हम अष्टम भाव के अंदर आएंगे। अगर सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो आठवां भाव है ये खानदानी जमीन जायदाद यानी कि पैतृक संपत्ति का है, गुड ज्ञान का है, आयुष्य का है। तो सुनिए, सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खेती दुकान मकान फार्म हाउस ये सब मिलने के प्रबल योग बनते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान प्राप्ति के भी योग बनते हैं, क्योंकि ये है हृदय और यह है गुड ज्ञान। तो हृदय का मालिक जब अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र रत्न शास्त्र जैसे गुड ज्ञान सीखना बहुत अच्छा लगता है। आठवां भाव आयुष्य का भी है तो ऐसे व्यक्ति दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और जीवन के उत्तरार्ध में शांतिपूर्वक संतोषपूर्वक सुकून पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अभी हम आते हैं उसके अपोजिट के, मान लो विपरीत में जाते हैं कि चतुर्देश अगर अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर या फिर पाप ग्रह से दृष्टि या पाप ग्रह से पीड़ित होकर अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की माता हमेशा बीमार रहती है या फिर माता को कोई बड़ी असाध्य बीमारी हो सकती है जिसके पीछे बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा धन भाव को देखता है। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी दुकान मकान सब मिलने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर उन्हें कायदा कानून कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों को गलती से भी अपने नाम पर कोई वाहन खरीदी नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदी करनी चाहिए, वरना उसमें नुकसानी होगी, उसका लाभ ना होगा और उसके वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नवम भाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि नवम भाव धर्म का है, पिता का है। नवम भाव से हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। तो सुनिए, सुखेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर भाग्य भाव में बैठा हो तो राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही श्रद्धालु धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ही दयालु उदार सेवाभावी लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना होम हवन करना यात्रा तीर्थ यात्रा करना दान पुण्य करना ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति की माता बहुत ही श्रद्धालु और धार्मिक होती है, ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर अगर वाहन खरीदे तो उसे बड़ा लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने नाम पर कोई मकान जमीन जायदाद खरीदे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है, ऐसे व्यक्ति अगर धर्म का कार्य करे यानी कि दान पुण्य करे पूजा पाठ करे होम हवन करे तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर हमेशा धार्मिक कार्य करने से उनको बहुत अच्छा लाभ होता है ये देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है, क्योंकि ये सुख है ये पिता है। अगर सुखेश पिता भाव में पड़ा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और पिता के द्वारा उन्हें मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलने के योग बनते हैं। अभी हम आते हैं दसवें भाव के ऊपर।
तो दसवां भाव मान सम्मान का है, पद प्रतिष्ठा का है, कार्यक्षेत्र का है। तो सुनिए, सुखेश स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का अगर कर्म भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को तेजस्वी प्रभाव, ऐसे व्यक्तियों को तेजस्वी प्रभावशाली सामाजिक कार्य करने से और उनको मान सम्मान प्राप्त होता है। यानी ये लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उसके लिए उनको समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जमीन अगर व्यापार के लिए इस्तेमाल करें तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपना वाहन अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करें तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति अपने हृदय से अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्यों के वजह से समाज के अंदर उन्हें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश जश कीर्ति प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग आएंगे 11वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, मित्र का होता है, लाभ का होता है। अगर सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होगा, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई बहनों के द्वारा बहुत लाभ होता है, अपने मित्रों के द्वारा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति का अपने बड़े भाई बहन और मित्रों से बहुत ही लगाव होता है, उनके साथ बहुत ही मधुर रिश्ते होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो अच्छे कर्म करे तो समाज के अंदर बहुत ही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अधिकारी बनते हैं। अभी आता है 12वां भाव। 12वां भाव होता है व्यय का, विदेश का। तो सुनिए, सुखेश ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश जाने से भाग्योदय होता है, यानी कि जन्म स्थान से दूर जाने से उनका भाग्योदय होता है। और ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके अपने लिए एक अच्छा मकान बनाते हैं, विदेश जाकर अच्छे वाहन खरीदी करते हैं, विदेश जाकर प्रॉपर्टी बनाते हैं, और ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी हृदय की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा धन खर्च करते हैं और अच्छे कार्यों के लिए भी धन खर्च करते हैं। अभी ठीक उसका अपोजिट जाते हैं। अगर सुखेश ग्रह 12वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो तो सुखेश 12वें भाव में पाप ग्रह से दृष्ट या पाप ग्रह से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे जमीन जायदाद खरीदी नहीं करनी चाहिए, वरना जमीन जायदाद के वजह से जीवन में एक बार उन्हें कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन से अकस्मात होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, वाहन के वजह से किसी को कष्ट होने की वजह से उन्हें पैसे देने पड़ सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने हार्ट के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जाके उन्हें एंजियोप्लास्ट बाईपास सर्जरी ये सब कराना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर चौथे भाव का स्वामी छठवें आठवें बारहवें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम भी होते देखा गया है। चतुर्देश अगर छठवें आठवें बारहवें भाव में हो तो उन्हें कुटुंब का सुख भी कम मिलता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।